नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर रायबरेली से। इन दिनों उत्तर प्रदेश की जनपद रायबरेली में क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला जनपद रायबरेली के थाना लालगंज ग्राम सनई कपूरवा मजरे कुंडल का बताया जा रहा है। दिनांक 16 जुलाई की रात्रि समय करीब 11 बजे प्रार्थी का बड़ा भाई रविशंकर गांव की बारात से वापस अपने घर आ रहा था। रास्ते में ही गांव के विपक्षी गढ़ पहले से ही घात लगाए बैठे थे और बड़े भाई को रोक लिया। वही गालियां देकर कहने लगे कि आज तुझे जान से मार देंगे। इसी के साथ ही उसके सिर पर लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया, जिससे कि प्रार्थी का भाई वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। पीड़ित के गांव के ही द्रकपाल व अन्य कई लोग बारात से वापस आ रहे थे। उन लोगों ने देखा कि प्रार्थी का भाई लहूलुहान एवं मरणासन्न अवस्था में रास्ते में हाथ पैर से बंधा हुआ पड़ा मिला। उसकी डॉक्टरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में कराई गई, जहां उसकी हालत नाजुक है। डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एक तरफ पीड़ित मौत और जिंदगी से जूझ रहा है, विपक्षी गढ़ खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अब की बार नहीं छोड़ेंगे, दोबारा जान से मार देंगे। पीड़ित के परिवार वालों ने थाना लालगंज में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अभी तक थाना लालगंज में इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपको, कहाँ है, क्या मामला है? मेरा नाम संजय वर्मा है। मेरे भाई को बहुत मारे हैं, इसीलिए कप्तान ऑफिस आया हूँ। यहाँ अंदर गया तो वहाँ बोले कि लालगंज में जाके वीडियो देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं बोले। किसने मारा है, कब की घटना है? 15 तारीख रात की 12 बजे की। इसलिए किस लिए मारे हैं? इसलिए बहुत पहले झगड़ा हुआ था थोड़ा सा, अभी उसी का बदला लिए। कैसी हालत है? अब हालत कैसी है? हालत बहुत गंभीर है। क्या आश्वासन मिला कप्तान साहब ने आपसे, क्या कहा? बोले वीडियो वहाँ लालगंज थाने में देखा जाएगा। यहाँ कप्तान साहब ने कुछ कहा नहीं आप लोगों से? कुछ नहीं। न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आगे? हम लोग इधर ही बैठे हैं। कहाँ आई हैं? कप्तान साहब से। कहाँ से आई हो, क्या है? लालगंज से। क्या मामला है? मेरे देवर को मारा है पूरी तरह से। किसने मारा? अरे दुश्मन लोग मारे हैं पहले के, आज 5 साल से पहले से झगड़ा हुआ है, उसी लिए मारिंग किया। तार पा के बरात से आते हुए रास्ते में सीट करके अंदर ले के ऊपर की मंजिल पर वहाँ पूरी तरह से मारा है, हाथ पाँव ने जकड़ दिया है। तो वहाँ पे थाने पे आप लोग गई थी? वहाँ पे गई, कोई सुनवाई भी नहीं गई। तो यहाँ कप्तान साहब ने क्या कहा आपसे? क्या कहा कि आप यहाँ आइए। अच्छा, कप्तान साहब ने कुछ नहीं कहा आपसे? न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप लोग? अगर न्याय नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? कहेंगे कि न्याय न देंगे तो हम पंचे चाहे भी कर देंगे लखनऊ के। रायबरेली से नरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।